शुभोदय बच्चों, पिछली कक्षा में आप पूरा बेसिक का अभ्यास करे थे और मात्राएं किस तरह से लगा जाता है वो भी आप अभ्यास कर लिए थे और मात्रा और लगा वाले शब्द किस तरह से पढ़े जाते हैं वो भी आप सीखे थे। तो आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, आपको पहला पाठ, आपकी पुस्तक का पहला पाठ। तो आपको रहने के लिए क्या जरूरी है, आपको पहला पाठ, आपका पहला पाठ क्या है, देखिए अगर आपको जीना है तो क्या भोजन होना बहुत जरूरी है, साग सब्जियां हर एक चीज तक सब्जियां होना चाहिए, फल होना चाहिए। सब्जियां होने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको सब्जियां कहाँ से आते हैं और आपको फल कहाँ से आते हैं, तो ये सब आपको कहाँ से मिलते हैं और आपको हवा कहाँ से आती है, ये सब भी आपको जीने के लिए बहुत जरूरी है। तो आज का पहला पाठ क्या है बच्चों, पेड़ बहुत जरूरी है पेड़ जीने के लिए, यानी पेड़ से देखिए हमें सब्जी मिलती है, पेड़ से हमें कागज मिलता है, पेड़ से सब फल मिलता है, पेड़ से हमें ताजी हवा आती है, पेड़ से हमें ठंडी शीतल छाया मिलती है और पेड़ से क्या मिलता है, हवा और बहुत से चीजें, यानी कि फर्नीचर बेंचेस या बेंचेस बनाते हैं, दरवाजे बनाते हैं, हर एक चीज कहाँ से आ रहे हैं बच्चों, पेड़। तो पेड़ क्या है, पेड़ हमारे जीवन में बहुत उपयोग करता है, बिना पेड़ हम रह सकते नहीं रह सकते, और पेड़ से क्या मिलता है आपको, ऑक्सीजन है कि नहीं, तो पेड़ क्या करता है आपको ऑक्सीजन देता है, आप जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ते हैं उसे छोड़ के ऑक्सीजन यानी कि दूषित वायु को पकड़ लेकर क्या करता है, अपने को अच्छी सी ताजी हवा देता है। तो आज हमें पेड़ किस तरह से उपयोग करना चाहिए आज के पाठ में पढ़ेंगे, तो सब लोग अपनी पाठ्य पुस्तक खोलिए और वहां पर फिंगर लगाइए, उंगली लगाइए, बच्चों लगा कर देखो तो एक पेड़, तो कभी क्या कह रहे हैं बच्चों, लगा के देखो एक पेड़, वे है हमारे जीव स्वस्थ जीवन की रोकड़, रोकड़ का मतलब क्या है, कैपिटल। तो अपने स्वस्थ जीवन की देखिए, सवेरे जब आप उठ के एक्सरसाइज करते हैं तो ताजी हवा मिलती ना मिलती आपको, ताजी हवा से आप हमेशा स्वस्थ रहते हैं, और हमेशा स्वस्थ यानी हेल्थी, तो पेड़ से क्या मिलता अपने को, ताजी हवा, अपने जीवन के लिए पेड़ बहुत उपयोग है। बस थोड़े पानी से बढ़ा के अपने जड़, थोड़े पानी अपन आप एक पेड़ लगाइए उसके अंदर आप पानी जब डालते हैं, थोड़ा सा पानी डाले तो वो आप रोज पानी डालने से क्या होता है, पेड़ के जड़े बड़े होते हैं, जड़ यानी रूट्स। ये देखिए जब आप पानी डाल रहे हैं तो ये पेड़ क्या होता है आपको, बड़ा होता नहीं होता, तो ये जड़े कहाँ रहते हैं, ये जड़े अंदर यानी भूमि के अंदर रहते हैं, इसे आप क्या कहते हैं, रूट्स भी कहते हैं। अनेक अनेक जीवों को दे रहे हैं वे नीर, अनेक अनेक जीव, देखिए पेड़ के ऊपर चिड़िया रहती, पेड़ के ऊपर सांप, बहुत से पक्षी पशु पक्षी भी रहते हैं और पेड़ अपने को ठंडी छाया भी शीतल भी दे रहा है, सब लोग को क्या देते हैं, छाया, नीर यानी शेल्टर, छाया। वातावरण से दूषित वायु को वे पकड़, वातावरण यानी एनवायरमेंट से, वातावरण से क्या कर रहे हैं, दूषित वायु, जब आप दूषित वायु जो भी छोड़ रहे हैं, दूषित वायु यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये हवा में जो भी छोड़ रहे हैं उसको क्या करता, पेड़ पकड़कर हमें ऑक्सीजन यानी प्राण वायु देता है, हमारे लिए प्राण वायु देता है वे छोड़, यानी दूषित वायु को पकड़कर या प्राण वायु यानी ऑक्सीजन को हमें देता है। फल फूल कागज हवा आदि चीजें करोड़, फल फूल कागज ये भी ना हो गया, हर एक चीज आपको कहाँ से मिलती है, पेड़ों से मिलती है, फल फूल कागज हवा आदि करोड़ यानी करोड़ों चीजों हमें पेड़ से मिलते हैं, क्या नहीं देता बताना है मुश्किल उनकी उम्र, तो पेड़ों से हमें क्या क्या नहीं मिल रहा बच्चों, बहुत सी चीजें हमें पेड़ों से मिल रही है कि नहीं, कुछ लोग कर रहे हैं पेड़ों को तोड़ मरोड़, कुछ लोग क्या कर रहे हैं पेड़ों को तोड़ मरोड़ यानी काट कर फेंक दे रहे है कि नहीं, वो बहुत गलत है, जब पेड़ नहीं रहेंगे तो अपने को प्राण वायु कहाँ से मिलता, जी बोलिए, फल कहाँ से आते, सब्जियां कहाँ से आते,
सब चीज अपने पेट से ही मिल रहा है। उनको समझा दो बिना पेड़ हमारा जीवन है रोड, तो बिना पेड़ हमारे जीवन कैसा है बच्चों, रोड। जैसे कि हेडलेस बॉडी, रोड का मतलब क्या है, हेडलेस बॉडी, बिना सर वाला आदमी। क्या हम ऐसा रह सकते हैं, अगर आपका सर नहीं रहता, आपका थन रहता तो आप किस तरह से देखेंगे, क्या आप ऐसा रह सकते हैं, कोई मानव ऐसा रह सकता है, नहीं रह सकता है। इसलिए पेड़ हमारे जीवन में बहुत उपयोग होता है। हाँ, खूब पढ़ लिखकर बड़े होकर बना दो अपना घर, तो क्या करना है, हमें अच्छी तरह से पढ़ना और लिखना चाहिए। बना दो अपना घर और अपना अपना घर, घर यानी हाउस, आपका मकान, आपका घर, अपने अपने घर बना दो। लेकिन यह मत भूलो जरूर उसमें लगाना है एक पेड़, यानी हमें अच्छा तरह से पूरी तरह से पढ़ के लिख के, अच्छी तरह से पढ़ के लिख के बड़े होकर सफल होकर, आपके जीवन में आप सफल होकर एक घर बनाना है, एक घर, घर यानी घर, घर बनाकर उसमें आप क्या करना चाहिए, एक पेड़ लगाना चाहिए। देखिए आप और आपके मित्र सब लोग एक 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 पेड़ लगाने से, इतने सारे पेड़ होते तो अपना 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 एनवायरमेंट, अपना वातावरण किस तरह से रहता है, बहुत हरा भरा रहता है और हमेशा आपको ठंडी हवा यानी ठंडी शीतल छाया भी पेड़ों से मिलती है, तरह तरह के सब्जियां आपको पेड़ों से मिलती है। तो पेड़ क्या है, अपने जीवन में, हमारे जीवन में बहुत उपयोग करना करता है। हमें पेड़ों को कभी काटना नहीं चाहिए, अगर कोई भी काटे तो हमें उन्हें समझाना चाहिए कि पेड़ किस तरह से हमारे जीवन में उपयोग करता है। तो आपको अभी समझ में आया तो पेड़ किस तरह से लगाना चाहिए, अब एक बार अभ्यास करेंगे। सब लोग आपकी फिंगर किताब पर रखिए। बच्चों लगा कर देखो तो एक पेड़, वे है हमारे जीवन की रोकड़, बस थोड़े पानी से बढ़ा के अपने जड़, अनेक अनेक जीवों को दे रहे हैं वे लिए, वातावरण से दूषित वायु को वे पकड़, हमारे लिए प्राण वायु देते हैं वे छोड़, फल फूल कागज हवा आदि चीजें करोड़, क्या नहीं देते बताना है मुश्किल उनकी उम्र, कुछ लोग कर रहे हैं पेड़ों का तोड़ मरोड़, उनको समझा दो बिना पेड़ हमारी जिंदगी है रुकुरु। हाँ, खूब पढ़ लिख कर बड़े होकर बना दो अपना घर, लेकिन यह मत भूलो कि जरूर उसमें लगाना है पेड़। क्या आपको आपकी कविता समझ में आए, तो आपको आपकी क्लासों में क्या करना है, आज का डेट डालकर पेड़ बोलते लिखिए और अच्छा नीट से एक पेड़ ड्रॉ करके और उसमें पेंसिल से रंग भरिए।